भारत का जो टोटल रेवेन्यू इकट्ठा होता है उनमें 50% लोगों से 64% टैक्स कैसे लिया जा रहा है, और भारत के जो 10% धनवान है उनको टैक्स कितना देना पड़ता है, मात्र 3%। ये भ्रष्टाचार ही नहीं, देश के साथ गद्दारी भी है। मुद्रा पोर्ट के माध्यम से, तालिबानियों के माध्यम से, और ISI के एजेंटों के माध्यम से, संघ के एजेंटों के माध्यम से अदानी की एयरपोर्ट से पूरे भारत में सप्लाई की जा रही है। उन्हें रामनवमी से पहले रिहा करके, रामनवमी से पहले तलवारें बांट करके क्या संदेश आपने दिया? आपने संदेश दिया कि दंगाई बलात्कारी हत्यारों को हम रिहा करते, हमारी सरकार संघियों की सरकार है, यह है तुष्टिकरण की नीति। अरे प्रज्ञा ठाकुर जिसकी मोटरसाइकिल में बम रखा गया था वहां पर धमाका करने के लिए, उसको जमानत पर सांसद बना दिया, ये है तुष्टिकरण की नीति। नो में बगैर कोर्ट कार्रवाई के, बगैर अदालत आदेश के, बगैर नोटिस के नूह में सैकड़ों लोगों की दुकानें और घर बुलडोज कर दी गई, यह है तुष्टिकरण की नीति। नूह में जिनके घर और दुकानें खत्म कर दी गई वो तुम्हारे परिवार के हैं कि नहीं? जिन 5-6 लोगों की जान चली गई ये तुम्हारे परिवार के सदस्य हैं कि नहीं? एक राज्य का मुख्यमंत्री परिवारवाद का और 3 केंद्र में मंत्री है, तो नरेंद्र मोदी क्या नरेंद्र मोदी माधवराव सिंधिया का संतान के रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं मानते क्या? यह सवाल मैं इसलिए कह रहा हूं कि परिवारवाद पर सवाल किया जा रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। यह ज्योतिरादित्य सिंधिया को सोचना चाहिए कि आपको वो माधवराव सिंधिया का पुत्र अगर मानते हैं तो फिर परिवारवाद क्यों नहीं होगा? पीयूष गोयल को अगर वेद प्रकाश गोयल का संतान नहीं मानते हैं तो पीयूष गोयल को सवाल उठाना चाहिए, और अगर मानते हैं तो फिर ये परिवारवाद नहीं है तो और क्या है? मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान, डॉक्टर देवेंद्र प्रधान के पुत्र अगर मोदी नहीं मानते हैं तो फिर ये बड़ा सवाल है, और मानते हैं तो ये परिवारवाद है कि नहीं है? मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूं भ्रष्टाचार को लेकर के। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक दुनिया के देशों में भ्रष्टाचार में 80 नंबर है हमारा, 80 नंबर। ईमानदारी पर उसके बाद 1 नंबर, 2 नंबर, बेईमानी में 3 नंबर, 80 और पायदान में है भारत। ये रिपोर्ट है पिछले 9 साल की, और ये रिपोर्ट है जो अभी लाल किले से ऐलान किया गया, और ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक मैं जिक्र करना चाहता हूँ भ्रष्टाचार का। और बहुत गाल बजाए जा रहे हैं GST के विषय में, जो भारत का टैक्स है 64% हिस्सेदारी देश के सबसे गरीब 50% आबादी से, देश की 64% हिस्सेदारी टैक्स से वसूली जा रही है, तब सवाल उठाते हैं कि 5 किलो अनाज दे रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी की सरकार का कोई भी अर्थशास्त्री बैठे, मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि ऑक्सफॉर्म की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का जो टोटल रेवेन्यू इकट्ठा होता है उनमें 50% लोगों से 64% टैक्स कैसे लिया जा रहा है? दही पे टैक्स, चावल पे टैक्स, आटे पे टैक्स, पेन पे टैक्स, पेंसिल पे टैक्स, दवा पर टैक्स, बेड हॉस्पिटल के बेड पर टैक्स। और मुझे तो लगता है कई लोग कह रहे थे नरेंद्र मोदी के आने से पहले शौचालय पर टैक्स नहीं था, 1 रुपया 2 रुपए था सुलभ का रेट, वह 1 रुपया 2 रुपए की बजाय 2 रुपए और 5 रुपए कर दिया गया। हमको तो लगता है कि उसमें भी हगने मूतने में भी मोदी टैक्स हुआ, जो लोग सुलभ शौचालय इस्तेमाल करते होंगे उन लोगों को भुगतना पड़ता है। मैं मेट्रो में सफर करता हूं, पहले 1 रुपए देना पड़ता था, 2 रुपए देना पड़ता है, और महिलाओं को 5 रुपए देना पड़ता है। ये मैं आपको कहना चाहता हूं, 40% अगली आबादी जो देश में मध्यम वर्ग की है उनको 33% टैक्स अदा करना पड़ता है, 64 और 33 आप समझ रहे हैं, और ये हो गया 97% टैक्स, और भारत के जो 10% धनवान है उनको टैक्स कितना देना पड़ता है, मात्र 3%। कितना धन है भारत के 166 लोगों के पास, इतना धन पहुंचा दिया नरेंद्र मोदी की सरकार ने, जितना धन 70 करोड़ आबादी के पास देश में है उतना धन मात्र 166 लोगों की झोली में भर दिया है। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? पूछो नरेंद्र मोदी से, क्या ऐसा संभव हो सकता है
कि देश के सबसे गरीब निर्धन लोगों से 64% टैक्स वसूला जा रहा है और फिर गाल बजाते हैं, कहते हैं हम 5 किलो राशन फ्री भी दे रहे हैं। मैं हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद का जिक्र करना चाहता हूं। हिडनबर्ग की रिपोर्ट में आप सब लोगों ने देखा था कि किस तरीके से शेयर बाजार में 163 पेज की इस्तीफे की रिपोर्ट भेजी है। अडानी के बंदरगाह में ऑडिटर के तौर पर डेलाटर ने इस्तीफा दे दिया और 163 पेज की रिपोर्ट इस्तीफे के रूप में जो भेजी गई है शेयर बाजार में, उसका कारण क्या है? हिडनबर्ग की रिपोर्ट में क्या था? शेयरों की कीमत में हेरा फेरी का आरोप, पूरी पड़ताल थी, खातों में धोखाधड़ी का मामला था और फर्जी कंपनियों के जरिए धन गुपचुप लेन देन का आरोप था। और ऑडिटर ने उस हेरा फेरी को पकड़ लिया तो अडानी नहीं मानता है, और अडानी जब नहीं मानता है तो ऑडिटर ने 163 पेज का इस्तीफा दिया है। और उसी हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद खुलासा हुआ कि भारत में भले ही 20 जवानों की हत्या के बाद चीन के ऐप्स बंद कर दिए गए थे, लेकिन आपको बताता हूं 63 अरब अमेरिकी डॉलर इसके अडानी के कंपनी में लगाने वाला चांग चुंग लिंग चीन का नागरिक है। तो मैं ये बात भी कहना चाहता हूं, ये भ्रष्टाचार ही नहीं देश के साथ गद्दारी भी है, क्योंकि चीन का 63 अरब अमेरिकी डॉलर अडानी की कंपनी में लगाने वाला नरेंद्र मोदी का यार है और नरेंद्र मोदी ने उसे बंदरगाह दे दिए और बंदरगाहों की ऑडिटिंग करने में हेरा फेरी हो रही है। ऑडिटर ने इस्तीफा दे दिया, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? नरेंद्र मोदी मुंह खोले, और नरेंद्र मोदी ने कानून ला रहे, झूठ बोलने वाले को 3 साल की जेल हो जाएगी। मैं चुनौती देता हूं नरेंद्र मोदी, अगर भूपेंद्र रावत झूठ बोल रहा है तो ये दिल्ली में मैं हूं, आपका थाना, आपकी पुलिस, आपका कानून है, जरा गिरफ्तार करके मुझे दिखा दो, सिद्ध कर दो कि मेरा आरोप झूठा है। और तब इस 63 अरब अमेरिकी डॉलर में जो मैं अनुमानित हिसाब लगाता हूं 50 खरब रुपए अकेले चीनी नागरिक के अदानी की कंपनी में निवेश हो रखे हैं। और मैं भ्रष्टाचार का एक और जिक्र आपको बताता हूं, 15 अगस्त 2021 को तालिबान की सरकार बनती अफगानिस्तान में, और 16 सितंबर को अदानी के पोर्ट में, मुद्रा पोर्ट गुजरात में 21,000 करोड़ की 3,000 ड्रग्स 3,000 किलो हेरोइन पकड़ी जाती है। जरा सोचिए आप, ये पार्ट ऑफ भ्रष्टाचार नहीं है? छोटा सा आरोप लगने पर आपने नूह में बिना जांच पड़ताल के अवैध तरीके से नूह के गरीबों के घर और उनकी रोजी रोटी के ठिकाने ध्वस्त कर दिए, पर क्या बुलडोजर नहीं है मोदी तुम्हारे पास? नहीं है मुद्रा पोर्ट पे ले जाने के लिए बुलडोजर? तो हम बुलडोजर भी देते हैं, उसको पहुंचाने की व्यवस्था भी करते हैं, है? और मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं, आज की तारीख में मुद्रा पोर्ट भारत का सबसे बड़ा स्मगलिंग का जरिया और अड्डा बन चुका है। पूरे भारत के अंदर जो चरस, गांजा, अफीम, स्मैक, हीरोइन सप्लाई हो रही है, वह सारी की सारी मुद्रा पोर्ट के माध्यम से, तालिबानियों के माध्यम से और ISI के एजेंटों के माध्यम से, संघ के एजेंटों के माध्यम से, अदानी की एयरपोर्ट से पूरे भारत में सप्लाई की जा रही है। ये उदाहरण दिया मैंने 21,000 करोड़ का, आंकड़े बहुत लंबे हैं। और तब मैं ये भी सवाल करना चाहता हूं कि क्या हमारे देश में चुनाव आयोग को तोता बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदली करके मुख्य न्यायाधीश को अलग करने का क्या पार्ट ऑफ करप्शन नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है? जांच एजेंसियां ED, CBI, NI, NCI सबके जो छापेमारी हो रही है अपनी इच्छा पंथ पर, जिसको चाहो छापा डलवा दो, जिसको चाहो उठवा दो, जिसको चाहो बदनाम करा दो, कि ये भ्रष्टाचार नहीं है? नरेंद्र मोदी ने कहा ये मैंने छोटा छोटा दिया, बड़े बड़े भ्रष्टाचार भी है। क्या नीरव मोदी को भगाना, विजय माल्या को भगाना, ललित मोदी को भगाना, अपने चहेते अरबी अदानी के समधी को भगाना, ये भ्रष्टाचार नहीं है मोदी तो और क्या है? हमारा पैसा ताली बजाकर बैंकों में, और बैंकों से पैसा दे देते हैं आप ललित मोदी को, नीरव मोदी को, विजय माल्या को, अदानी के समधी को, और उनको एयरपोर्ट से 9-2-11 कर देते हैं, ये भ्रष्टाचार है कि नहीं? तुष्टीकरण की बात मोदी ने की, बिल्कुल हम कह रहे हैं तुष्टीकरण हो रहा है,
आप क्या ये तुष्टिकरण नहीं होगा कि हमारे देश के अंदर, हमारे देश में आपको और हमको सबको समझना चाहिए कि किस तरीके से 2017 में, मैं जिक्र कर रहा हूं उन्नाव का, भाजपा के विधायक ने नाबालिग 17 साल की लड़की से बलात्कार किया, भाजपा की सरकार थी, उसका मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, ये तुष्टिकरण का मामला है, यही है तुष्टिकरण। और तब उस लड़की को आत्मदाह का प्रयास करना पड़ा भाजपा के मुख्यमंत्री योगी के दहलीज पर, तब एफआईआर तो दर्ज हुई, लेकिन उसकी सजा आप सब लोगों ने देखी, किस तरीके से उस लड़की के गाड़ी जिसमें बैठी थी, गाड़ी से कुचला गया, जिसमें उसकी मौसी और चाची की हत्या हो गई, वकील और वह लड़की राशन है, तो क्या तुष्टिकरण की नीति नहीं है? इन सब के बावजूद भी भाजपा ने उस एमएलए को अपने उससे नहीं हटाया था, किससे? पद से। 8 साल की, 2018 का मैं जिक्र कर रहा हूँ, 8 साल की मासूम गुजरों की लड़की, जम्मू का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उस लड़की का अपहरण करके, अपहरण करने के बाद मंदिर में बंधक बना करके, भूखे प्यासे जिन लोगों ने उसका बैंक बलात्कार किया, उसके शारीरिक शोषण किया, क्योंकि कई बार बैन लगता है शब्दों पर, उस शारीरिक शोषण के बाद जब वो भूखी प्यासी तड़पती ही मर गई, तो उनको बचाने के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार में मंत्री भाजपा के तिरंगा लेके सड़क पर उतरे, यह है तुष्टिकरण, यह तुष्टिकरण की नीति है कि 2019 में इनके पूर्व केंद्रीय मंत्री राम मंदिर निर्माण की अगुवाई करने वाले संत चिन्मयानंद पर उसी के कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की ने यौन शोषण का मुकदमा दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक खटखटाई थी, और उस लड़की को, गरीब को, बामन की लड़की को विवश किया गया मुकदमा वापस लेने के लिए, चिन्मयानंद को बचाने के लिए। यह है तुष्टिकरण की रणनीति, यह है तुष्टिकरण की रणनीति कि अभी रामनवमी से पहले जो पीएसी के जवानों ने 22 मुसलमानों का खेर कर गोलियों से नरसंहार कर दिया था 1987 का, मैं जिक्र कर रहा हूं, उनको राम नवमी से पहले रिहा कर देना, उन पुलिस कर्मियों को। यह है तुष्टिकरण की नीति कि 2002 में दंगों में गुजरात का, मैं कलोल का जिक्र कर रहा हूं, जहां 11 लोग मुसलमानों को जिंदा चलाया गया था, उन्हें रामनवमी से पहले रिहा करके, रामनवमी से पहले तलवारें बांट करके क्या संदेश आपने दिया? आपने संदेश दिया कि दंगाई, बलात्कारी, हत्यारों को हम रिहा करते हैं, हमारी सरकार संघियों की सरकार है, यह है तुष्टिकरण की नीति। इससे बड़ा तुष्टिकरण का और कोई उदाहरण? मालेगांव बम धमाके में मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ, 6 लोगों की जान चली गई थी, 101 लोग घायल हो गए थे, और 2008 का जिक्र कर रहा हूँ, अरे प्रज्ञा ठाकुर जिसकी मोटरसाइकिल में बम रखा गया था वहां पर धमाका करने के लिए, उसको जमानत पर सांसद बना दिया, ये है तुष्टिकरण की नीति। दिल्ली में दंगा फैलाने के लिए जो भाजपाई नेता अनुराग ठाकुर, सांसद परवेश वर्मा, अभय वर्मा, कपिल मिश्रा, जिन पर दिल्ली हाई कोर्ट के जज डॉक्टर एस मुरलीधर ने तब मुकदमा दर्ज करने के लिए आदेश दिया था, देर रात को जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस का ट्रांसफर कर दिया गया इनको बचाने के लिए, यह है तुष्टिकरण की नीति। नो में बगैर कोर्ट कार्रवाई के, बगैर अदालत आदेश के, बगैर नोटिस के, नो में सैकड़ों लोगों की दुकानें और घर बुलडोज कर दी गई, यह है तुष्टिकरण की नीति। और तब मैं ये कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, आप सब लोगों से, तुष्टिकरण करने वाले संघी भाजपाई, भ्रष्टाचारी ये भाजपाई, परिवारवादी भाजपाई, और हमारे देश के अंदर एक और बात नरेंद्र मोदी ने की, बड़ी बात, कहा पहले भाई और बहनों, अब कहा पूरा परिवार मेरा है। तो नरेंद्र मोदी, हम जानना चाहते हैं कि मणिपुर में जिस सूबेदार की पत्नी को नंगा करके घुमाया गया, बलात्कार किया गया, वहां तुम्हारे परिवार के सदस्य है कि नहीं? जिस आदिवासी लड़की 21 साल की, उसकी हिफाजत के लिए उसका पिता और भाई आया था, उनकी हत्या कर दी गई, वो तुम्हारा, और उसको नंगा करके घुमाया गया, बलात्कार किया गया, वो तुम्हारे परिवार के सदस्य है कि नहीं? बिल्किस बानो जिसके परिवार के 14 सदस्य मारे गए, गैंग रेप किया, वो तुम्हारे परिवार की बेटी है कि नहीं? किरण नेगी जिसके साथ बलात्कार हुआ, उसके हत्यारों को बाइज्जत तुमने बरी करा दिया, वो तुम्हारे परिवार की बेटी है कि नहीं? मैं जरा जानना चाहता हूँ, जो पहलवान बेटियां आज भी यौन शोषण के आरोपी ब्रजभूषण के खिलाफ संघर्ष कर रही है, वो तुम्हारे परिवार की बेटी है कि नहीं? अंकिता भंडारी जो भाजपा के मंत्री के
रिसोर्ट में जिसकी हत्या कर दी गई यह व्यापार में ना शामिल होने पर, वो तुम्हारे परिवार की बेटी है कि नहीं? ये नूह में जिनके घर और दुकानें खत्म कर दी गई, वो तुम्हारे परिवार के हैं कि नहीं? जिन 5-6 लोगों की जान चली गई, ये तुम्हारे परिवार के सदस्य हैं कि नहीं? और हाँ, तो मिस्टर मोदी बताओ, तुमने कब अफसोस व्यक्त किया? कब तुमने कार्रवाई की पहलवान बेटियों की शिकायत पर? कहाँ तुमने सूबेदार की पत्नी को नग्न बलात्कार की पीड़िता की शिकायत की? कहाँ क्या कार्रवाई की तुमने नूह के पीड़ितों के लिए, बिल्किस बानो के लिए, अंकिता भंडारी के लिए, किरण नेगी के लिए, और उन नौ की वह बेटी जो आज भी मरणासन है, वो तुम्हारे देश की, तुम्हारे परिवार की बेटी है कि नहीं? और उसी उन्नाव में एक और 12 साल की बेटी ने बच्चे को जना। मोदी, खेलने कूदने के दिन में भाजपा के राज में 12 साल की बच्चियां बेटी जन रही हैं, क्या वो तुम्हारी बेटी है कि नहीं? ये सवाल देशवासियों को करना चाहिए। और फिर मैं कहना चाहता हूँ, देश को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए देश को उठ खड़ा होना चाहिए। ये देश में चुनाव आयोग जैसे स्वतंत्र संस्थान को धोता बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों को अलग करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय संविधान।